सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और पिछली वीडियो में हमने बहुवचन पढ़ा था, है ना? कक्षा 4 में बहुवचन पढ़ा था और मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज आप लोग गेस करिए कि मैम आप लोगों के लिए क्या ले आई हैं। नहीं पता? तो ठीक है, फिर चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या लाई हूँ आप लोगों के लिए। आज मैं आप लोगों के लिए बहुवचन की कविता लाई हूँ, ठीक है? अब इस कविता को हम लोग आज पढ़ेंगे और मेरे साथ आप लोग भी दोहराइएगा, ठीक है? तो शुरू करते हैं फिर। एक चिड़िया अनेक चिड़िया, दाना चुगने बैठी चिड़िया। एक चिड़िया अनेक चिड़िया, दाना चुगने बैठी चिड़िया। देखो नन्ही सी मुर्गी, कीड़ा खाने निकली। एक मुर्गी अनेक मुर्गियाँ, एक मुर्गी अनेक मुर्गियाँ। एक चिड़िया अनेक चिड़िया, देखो वहाँ एक छोटी बकरी। देखो वहाँ एक छोटी बकरी, पत्ती खाने आई बकरी। एक बकरी अनेक बकरियाँ, पत्तियाँ खाने आई बकरियाँ। एक चिड़िया अनेक चिड़िया, हरी डाल पर बैठा तोता। हरी डाल पर बैठा तोता, मिर्ची देखो खाता तोता। एक तोता अनेक तोते, मिर्चियाँ खाने बैठे तोते। एक चिड़िया अनेक चिड़िया, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा। ये है सभी की मातृभाषा। एक भाषा अनेक भाषाएं, एक चिड़िया अनेक चिड़िया। तो आप लोग मेरे साथ कविता पढ़ लिए और कविता में अब देखते हैं कि कैसे कैसे कौन से एकवचन और कौन से बहुवचन शब्द आए हैं। अब जैसे आप देखिए, यहाँ चिड़िया, चिड़िया का बहुवचन चिड़िया। मुर्गी, मुर्गी का बहुवचन मुर्गियाँ। बकरी, बकरी की बहुवचन बकरियाँ। पत्ती, पत्ती और पत्ती का बहुवचन पत्तियाँ। तोता का तोते और मिर्ची का मिर्चियाँ, ठीक है? और राष्ट्र है, भाषा का, भाषा का भाषाएँ, ठीक है? अब आप लोग इस कविता को पढ़िएगा बहुत अच्छे से और याद कर लीजिएगा, ठीक है? और हम मुझे लगता है कि इसमें आपको एकवचन और बहुवचन समझने में दिक्कत नहीं होगी। आराम से पढ़िएगा और जहाँ भी आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर हम लोग फिर से करेंगे। थैंक यू।